सो हेलो एवरी वन, आई एम आकाश गोर। वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दवाई कितने प्रकार से दी जाती है, हम लोग मेडिसिन कैसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से रूट होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। देखिएगा, पहली चीज, कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है वो अपनी मर्जी से मेडिकेशन ना ले। हम वीडियो बनाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहली चीज, एक एक करके रूट समझेंगे। सबसे पहले जो रूट होता है, लोकल रूट हमने लिया हुआ है। एक एक करके सारे रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोकल रूट क्या होता है समझिएगा। लोकल रूट मीन्स डिलीवरिंग अ मेडिसिन टू अ स्पेसिफिक साइट विद इन द बॉडी। यानी कि देखिएगा, देखिए लोकल जो रूट होता है इसका मतलब होता है डिलीवरिंग अ मेडिसिन, जिसमें दवाई को दिया जाता है स्पेसिफिक साइट। यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करता हूँ मैं, स्पेसिफिक साइट यानी कि स्पेसिफिक साइट ऑन और विद इन द बॉडी, मतलब शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर। ठीक है, शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर कहीं भी एक विशिष्ट भाग तक ही दवाई का असर रहे, उसे लोकल रूट कहते। अब ऐसी दवा मान लीजिए पैरासीटामोल खाई तो वो तो पूरी बॉडी में इफेक्ट करेगी, है ना। परंतु कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो लोकल होती है, जिसको एक ही जगह पर कार्य करना होता है वो वहीं पे। जैसे कि आप बाम का देखो, बाम अगर मैंने इस एरिया में लगाई तो इतने ही एरिया में इफेक्ट करेगी, ये यहाँ तक नहीं जाता है। इस तरह से लोकल रूट कहा जाता है। लोकल रूट का अर्थ होता है शरीर के अंदर या बाहर किसी भी विशिष्ट जगह पर दवाई भेजी जाए और वो अपना कार्य करे, लोकल रूट कहलाता है। दिस रूट मेडिकेशन ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक साइट वेयर इट अप्लाई। यानी कि वही सेम चीज बोली है कि लोकल रूट का अर्थ होता है कि दवाई एक विशिष्ट जगह पर ही कार्य करती है जहां उसे भेजा जाता है। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट पर डिलीवर करा, वो वहीं पर काम करेगी, जो मैंने ऊपर क्लियर किया हुआ है लोकल में। इसमें एक पॉइंट और आता है, लोकल रूट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। अब देखो, लोकल रूट तो है, मुझे ऐसी दवाइयाँ भेजनी है जो एक विशिष्ट जगह पर काम करे, हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, आँख में, एक स्पेसिफिक साइट पर काम करे, वो भी अलग अलग रूट होते हैं। लोकल रूट के भी कौन कौन से, सबसे पहले नंबर पे मैंने लिया है टॉपिकल रूट। क्या होता है टॉपिकल रूट? इन दिस रूट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि टॉपिकल रूट क्या है, टॉपिकल रूट भी एक लोकल रूट है। इस रूट में दवाई को त्वचा तथा म्यूकस परत, अब देखो म्यूकस परत कहाँ होती है, अंदर भी होती है, माउथ के अंदर भी होती है, ठीक है, रेक्टम के अंदर भी होती है, ये जगह जगह पर जो पतली परत होती है, सुरक्षात्मक म्यूकस परत होती है, वहां पर काम करेगी या हमारी स्किन पर काम करेगी। क्लियर है? दिस ड्रग शो लोकलाइज्ड इफेक्ट। लोकलाइज्ड इफेक्ट को हाईलाइट करता हूं, लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि स्किन यानी कि हमारी जो त्वचा है इस पर लोकलाइज्ड, लोकल का मतलब होता है यहीं का रहने वाला है, बोलता ना कि लोकल है ये, वहीं का रहने वाला है। इसी प्रकार से लोकलाइज्ड इफेक्ट यानी कि लोकल इफेक्ट शो करेगी, एक ही जगह पर उस दवाई का असर फैलता नहीं है, पूरी बॉडी में लोकल। तो टॉपिकल रूट में क्या क्या आया, एक म्यूकस परत हो गई हमारी और एक त्वचा पर देने वाली दवाई है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो लोकल में हम लोग टॉपिकल में ईयर ड्रॉप, कान में डालने वाले ड्रॉप केवल कान में ही काम करेंगे, आपके पैरों में जाके काम नहीं करेंगे वो, ठीक है। आई ड्रॉप आँखों में ही काम करेगी, पेट में जाके काम नहीं करेगी, लोकल रूट है उसका, आँखों में ही काम करना पड़ेगा। नेजल ड्रॉप नाक में ही काम करेगी, जो नाक के यहाँ वाला जो एरिया फिक्स स्पेसिफिक साइट है वहीं पे काम करेगी। स्किन की क्रीम अगर कोई हो गई, जैसे पिंपल हो गया है ना, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, दाद वगैरह होते हैं इस तरह से, उस पर हमने क्रीम लगा ली, तो क्रीम लगाने पे क्या होगा, वो रिंग वॉर्म सही होगी, कान में जाके काम वो नहीं करेगी, ठीक है। तो टॉपिकल रूट के एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोजिटरी यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, कोई बच्चों में पोटी नहीं निकलती तो सपोजिटरी, ड्यूफालेक्स सपोजिटरी लगाते, तो वो घुल के उसी जगह पर काम करेगी, वो ऐसा नहीं होगी कि घुल के हमारे दिमाग में चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करती है, किसी एक विशिष्ट साइट पर ही वो वहां पे काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतने एग्जांपल है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, सपोजिटरी, कैलामाइन लोशन आ गया, लोशन वगैरह आते हैं ना जो स्पेसिफिक साइट पर ही काम करते हैं, वहीं पर काम करेंगे, तो ये टॉपिकल रूट होता है।
आते हैं हम लोग डीपर टिश्यू। भैया डीपर टिश्यू भी लोकलाइज्ड ही है, यानी कि डीपर टिश्यू भी लोकल रूट ही होता है, एक विशेष जगह पर ही कार्य करता है, परंतु नाम है डीपर टिश्यू। मतलब अब देखो, मान लीजिए मेरे घुटनों में दर्द है, घुटनों के ऊपर मांसपेशियों में दर्द है, या थाई की मांसपेशियों में दर्द है, तो मुझे थाई का मांसपेशियों में ही काम करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इट इज ऑल्सो लोकल रूट, ये भी लोकल रूट होता है, विच इन विच सिरिंज आर यूज फॉर अप्लाइंग ऑफ ड्रग इन डीप टिश्यू, यानी कि यह भी लोकल रूट होता है जिसमें सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है और जो दवाई के ऊतकों के अंदर डाली जाती है, जैसे कि हाथों में, कमर में, आप पीछे कमर पे लगाते हो तो वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होती है, एकदम कभी भी दवाई एब्जॉर्ब नहीं होती, लोकल रूट होता है। इट इज शो, यानी कि आप नॉर्मली जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, सुन के लिए इंजेक्शन दाढ़ में लगा दिया तो वो क्या करेगी, वहां पर ही सुन करेगी आपके पूरे बॉडी को, सुन वो नहीं करती है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया जिसे कहते हो, इट इज शो लोकलाइज इफेक्ट बिकॉज इट्स सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लो। ये समझिएगा ये वर्ड, देखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि आपने मान लीजिए दाढ़ को सुन किया है, वो दवाई आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू जाएगी तो सही, पर तो कैसे जाएगी, बहुत स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो, बहुत धीरे जाएगी, तो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं दिखेगा, केवल इफेक्ट दिखेगा आपके जहां पर वो लगाई गई है, लोकलाइज इफेक्ट शो करेगी, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है उसका। इट शो अ लोकलाइज इफेक्ट बिकॉज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लो, ये क्लियर कर दिया मैंने। ऊपर बढ़ता हूं मैं, एग्जांपल है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्या है, लिग्नोकेन इज अ लोकल एनेस्थीसिया। अब यहाँ पे लिग्नोकेन की जो इंजेक्शंस भी आते हैं, इंजेक्शन के अलावा मैं बात करूँ तो कुछ जेल्स भी आते हैं, मुंह में छाले हो गए तो आपने जेल जो लगाया होगा ना, वो मुंह के छालों को ही सुन करता है, बॉडी के अंदर जाके पेट को सुन नहीं करता है वो, ये ध्यान रखिएगा आप। तो लिग्नोकेन जेल भी आती है, लिग्नोकेन लिग्नोकेन की इंजेक्शंस भी आते हैं जिसको एक विशिष्ट जगह पर ही सुन करने के लिए इस्तेमाल करते, ये भी लोकल रूट के अंदर में आता है, डीपर टिश्यू में, ठीक है। बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाइंग। अब देखिएगा आर्टेरियल सप्लाइंग क्या होता है, अब ये भी एक लोकल रूट ही होता है। इसमें क्या होता है, आर्टरी के थ्रू रक्त को, रक्त के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, परंतु ड्रग इज इन्फ्यूज्ड फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट इन लिंब लिंब लिम्ब मैलेग्नेंसी। एक डिसीज होती है लिम्ब की मैलेग्नेंसी हो जा, जैसे हाथों में यहाँ पे काला काला पड़ जाना, लिम्ब का फूल जाना, लिम्ब की मैलेग्नेंसी हो जाना, उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी या फीमोलर फीमोरल आर्टरी जो हाथों में होती है, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी, इसके थ्रू हम लोग मेडिसिन को देंगे तो वो जाके केवल लिम्फ में ही काम करेगी, वो आपकी कभी भी मतलब जो हर जगह पे इफेक्ट शो नहीं करेगी, ये भी लोकल रूट ही होता है। आगे बढ़ता हूँ लोकल रूट में, अब ये लोकल रूट खत्म हुआ, अब पढ़ते हैं हम लोग सिस्टेमिक रूट। देखिएगा लोकल रूट तो आपको मैंने बताया भैया कहाँ कहाँ पे काम करेगी, सिस्टेमिक रूट का सिस्टेमिक का अर्थ है ब्लड की बात हो रही है, ब्लड में देकर पूरी बॉडी में इफेक्ट को दिखाना। इन दिस रूट ड्रग इज एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम, इस रूट में जो दवाई है वो हमारे ब्लड में अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। दिस रूट दिस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी इन्फेक्टेड साइड बाय सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ये फैल जाएगी, हर एक बॉडी में फैल जाती है। आप इंजेक्शन लगाया, आपने वेंस में आपने इंजेक्शन लगाया या फिर कहीं भी लगाया, तो वो सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में फैल कर काम करेगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं सिस्टेमिक रूट में, ये लोकल रूट नहीं है। सिस्टेमिक रूट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप, देखो सिस्टेमिक रूट भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि किसी एक विशिष्ट जगह पर ही काम करवाना है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरी बॉडी में कार्य करवाना है, तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से दवाइयां हम प्रोवाइड कर सकते पेशेंट को। पहला होता है ओरल रूट, सबको पता है मुंह से दवाई को खा लेना, ठीक है। दिस इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये दवाई देने की सबसे पुरानी पद्धति है, सबको पता है ओरली रूट देते। इट इज सेफ एंड इजी मेथड, सबको पता है भाई कोई भी खा लेगा दवाई, इजी मेथड है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डॉक्टर मुंह में आके दवाई देगा स्पेसिफिक, जबकि इंजेक्शन की बात करो तो कोई स्पेसिफिक जो जो नॉलेज वाला पर्सन है वो ही लगा सकता है, परंतु लोकल ये जो रूट है ओरल रूट, इस ओरल रूट में कोई भी दवाई खा सकता है। This is painless method, no need to perfect medical professional, इस रूट में कोई medical perfect professional की जरूरत नहीं है, और दर्द का ही से होगा, दवाई खाने में दर्द थोड़ी होता है, इंजेक्शन लगाने में दर्द होता है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना है।
इसमें आता है रेक्टल रूट, ये भी सिस्टेमिक रूट है, रेक्टल रूट के थ्रू पूरी बॉडी में दवाई को फैला देना। ड्रग इज ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, इनेमा कैन बी डिलीवर एंड गिवन द रेक्टल रूट, यानी कि दवाइयाँ जैसे कि सपोजिटरी आती है, ऑइंटमेंट आते हैं, इनेमा जो लगाते हैं पेशेंट को, ये सारी जो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके थ्रू हम लोग पूरी बॉडी। अब देखो रेक्टल रूट से तो हमने सपोजिटरी, ऐसी भी सपोजिटरी होती है जो केवल रेक्टल रूट में काम करेगी। अब बच्चों में इतना ज़्यादा फीवर आ जाता है ना जो कंट्रोल नहीं होता, उस कंडीशन में पैरासीटामोल की सपोजिटरी भी आती है, वो रेक्टल में लगा के जल्दी एब्जॉर्ब होगी और तुरंत आपकी जो बच्चे की बॉडी में इफेक्ट शो करती है, सीवियर कंडीशन में हाई फीवर में यूज की जाती है। ठीक है, दिस रूट शुड बी फॉलो व्हेन ओरल रूट नॉट पॉसिबल। अब भैया जब किया जाता है जब मुंह से दवाई देना संभव ना हो, ऐसा कोई रुकावट आ गई हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, मुंह में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तब ये दवाई हम लोग रेक्टल रूट से दे सकते हैं। पेशेंट मतलब बच्चा बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा फीवर है, दवाई देंगे कब एब्जॉर्ब होगी, तो उसके बदले रेक्टल रूट से सपोजिटरी बच्चों में ज़्यादा प्रेफर की जाती है पैरासीटामोल की, तो जल्दी इफेक्ट शो एब्जॉर्ब करके। अब आते हैं हम लोग सबलिंगुअल रूट। अब देखिए ये भी ऐसा रूट है जो पूरी बॉडी में ही इफेक्ट शो करेगा। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? इन दिस रूट ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग और कैन बी प्लेस आफ्टर द क्रश, यानी कि इस रूट में दवाई को जुबा या जीभ के नीचे दवाई को सीधा रख दो टैबलेट को यहाँ पे इस तरह से, या फिर उसे चूर के क्रश करके भी रख सकते हो। इस कंडीशन में क्या होता है, ओनली एक कंडीशन है, इसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, ओनली लिक्विड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग आर मेनली यूज इन दिस रूट, यानी कि इस रूट में उन दवाइयों को दिया जाता है जो कि लिपिड सोल्यूबल लिक्विड सोल्यूबल होती है, लिक्विड सोल्यूबल के साथ में लिक्विड सोल्यूबल होती है और ये दवाइयाँ मुँह के द्वारा दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही रखोगे लिक्विड से सोल्यूबल हो जाती है, मतलब घुल जाती है, और यहाँ पर सबलिंगुअल के अंदर जो है छोटी छोटी शिराएं होती है जो कि सीधा एब्जॉर्प्शन करके सीधा एब्जॉर्ब करेगी और सर्कुलेशन में चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये बकल टैबलेट होती है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो सबलिंगुअल टैबलेट भी दी हुई है। अब आगे बढ़ता हूं गाइस मैं यहां से, इतना तो आपको समझ में आया सबलिंगुअल रूट क्या होता है। इसके अलावा आता है आपका एक और इनहेलेशन। इनहेलेशन की भी ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में इफेक्ट शो कर सकती है। ड्रग इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस कैन बी गिवन बाय इनहेलेशन, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में आप दवाई को लिक्विड या गैस के रूप में डायरेक्टली इनहेलेशन के द्वारा दे सकते हो। जैसे कि अस्थमेटिक, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये अर्थमेटिक लिखा है, दिस इज अस्थमेटिक, ये मैंने अस्थमेटिक लिखा। अस्थमेटिक जो मेडिसिन होती है जो पंप वम्प पेशेंट यूज करते हैं उसको डायरेक्टली क्रश करके वो डायरेक्टली बॉडी में दवाई को इनहेल कर लेता है। इसके अलावा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, एनेस्थीसिया की कंडीशन में है, तब हम इस रूट से भी ऑक्सीजन के थ्रू भी उसको दे सकते हैं अदर मेडिसिन। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब इसमें एक रूट होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के बारे में कितने टाइप्स लगाते, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर इसमें आप एक चीज़ समझ लो एक मिनट के लिए, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, यहाँ पे हम लोग एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल बुक किताब। इसमें क्या होगा, आपको बुक मिलेगी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके, फोटोकॉपी आपको करवाना है, साथ में कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा जिसमें हमारी वीडियो जिस तरह से आपने पीडीएफ देखी ये भी मिलेगी। इसके अलावा 200-250 बीमारियों के नोट्स मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट भी आपको इसमें मिलने वाले। इसमें हम एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं आपको, जो कि एज ए एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक बार मेरे कहने से आप चेक करो, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। 950 की प्राइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।